Hi, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एन एंड सोशल मूवमेंट सो सोशल मूवमेंट और एनजीओस के बीच में रिलेशनशिप ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे देखिए हिस्ट्री हैज विटनेस सो मेनी सोशल मूवमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन वन इश्यू और अनदर जैसे कि पीजन मूवमेंट हो गया ट्रेड यूनियन मूवमेंट व्यूमन राइट्स मूवमेंट इस तरह के अलग अलग मूवमेंट हमने हिस्ट्री में देखा है

एम्प्लॉयड वीमैन एसोसिएशन ओके ये कब इमर्ज हुआ ये उमर्जा आफ्टर द मूवमेंट ऑफ द प्रोटेस्ट मूवमेंट फॉर वीमैन राइट्स के बाद ठीक है ये नया जो एन जी ओ है यह बना दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड वीमैन एसोसिएशन इन द नाइनटीन एटीज देअर वेयर मैनी प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट डावरी डेथ वायलेसन अगेंस्ट वीमैन फेमस एनजीओ कार्ड सहेली इमर्ज आउट ऑफ इट सब सिक्टली तो इन सब मूवमेंट के बाद ये एन जी ओ बनाया गया ठीक है ये बहुत फेमस एन जी ओ है सो एन जी ओ आर इसल कम्पोनेंट ऑफ सोशल मूवमेंट तो सोशल मूवमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है एनी मूवमेंट नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट एंड रेज इट्स वाइज इन फ्रंट ऑफ दथोरिटीज टू मोबिलाइज पीपल टू अचीव राइट गोल ठीक है तो एनजीओस ओज आर द फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर ऑल दिस सोशल मूवमेंट तो किसी भी किसी भी सोशल मूवमेंट के लिए एनजीओ ओ बहुत जरूरी होता है बिकॉज एन जी ओज क्या करता है बहुत सारे चीजों बहुत सारी चीजें सपोर्ट करता है टू द सोशल मूवमेंट टू मेक्स सोशल मूवमेंट सक्सेसफुल एन जी प्ले वेरी वाइटल रोल ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो हाउ एट सम समाइम सोशल मूवमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस

ठीक है जब तक उनका पर्पस सॉल्व नहीं होता है तब तक वो मूवमेंट बना रहता है ओके और मेनली जो मूवमेंट शुरू होता है वो होता है विद पर्पस तो इसलिए ये एडॉक बेस पे रहता है टेंपरेरी बेस पे रहता है देन एनजीओस मेनली हैव अ फिक्स एजेंडा ओके प्रायोरिटीज वेयर एज सोशल मूवमेंट आर मोर फ्लूइड एंड रिएक्टिव एज दे रिस्पोंड टू वन और अनादर इशू ऑफ टाइम तो जो एन होते हैं वो क्या होते हैं परमानेंट होते हैं बिकॉज दे हैव फिक्स एजेंडा उनका फिक्स एजेंडा होता है फिक्स ऑब्जेक्टिव object, होता है और प्रायोरिटीज़ होते हैं उस इसीलिए जो एन होते हैं वो कंटिन्यू काम करते हैं ओके एंड एन के बाद आता है सोशल मूवमेंट सोशल मूवमेंट क्या होता है ये टेम्प्ररी होता है ये अचानक एक्टिव हो जाता है ओके okay? ये बहुत ज़्यादा फ्लिड होता है रिएक्टिव होता है बिकॉज दे वॉन्ट दी दे वॉन्ट देयर उनकी जो डिमांड है वो तुरंत सॉल्व हो ऐसा इसीलिए वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते ओके सो सोशल मूवमेंट आर रियली डिपेंड ऑन देयर मेंबर्स तो जो सोशल मूवमेंट होते ये पूरी तरह से जो अपने मेंबर्स के ऊपर डिपेंड होते बिकॉज दिस इज अ ग्रुप एक्शन सो अल्टीमेटली दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर सो एवरी मेंबर हैव देयर ओन रोल ओके अपना एक खुद का एक रोल होता है मेनली एक ही रोल के साथ वो काम करते लेकिन सबका सहभाग जरूरी होता है किसी भी सोशल मूवमेंट के अंदर दे दे नीड टू कीप द मेंबर मोबिलाइज टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर गोल वेयर एज एन कैन हैव अ फ्लेक्जिबिलिटी टू चेंज इट्स मेंबर एज पर देयर नीड ऑफ टाइम तो क्या होता है एन का तो फिक्स होते जो एन के जो मेंबर्स होते वो फ्लेक्जिबल रहते मतलब कभी भी एज पर द टाइम वो चेंज होते बट जो जो मूवमेंट होता है मूवमेंट होता है वो एक किसी सेम आइडियोलॉजी के ऊपर शुरू होता है किसी सेम ऑब्जेक्टिव के ऊपर शुरू होता है तो इसीलिए सेम ऑब्जेक्टिव के लोग एक साथ रहना चाहिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके टू कंटिन्यू दिस सोशल मूवमेंट और सोशल मूवमेंट को अगर हमें सोशल मूवमेंट को अगर हमें ऑब्जेक्टिवली ख़त्म करना है तो इसीलिए उसके मेंबर्स को साथ में रहना पड़ेगा वेर एज एन में ये नहीं होगा इसमें जो मेंबर्स है वो फ्लेक्जिबल रहते कभी भी एज पर द टाइम एज पर द नीड वो क्या हो सकते चेंज हो सकते हैं इन द केस ऑफ़ एन जी ओज सो सोशल मूवमेंट आर हाईली रेडिकल एंड इनोवेटिव इन देयर डिमांड एज कंपेयर टू एन जी ओज ओके तो जो सोशल मूवमेंट में जो सोशल मूवमेंट क्या है मेनली उनको तुरंत तुरंत उनकी डिमांड सॉल्व होनी चाहिए इस तरह से से वो काम करते आर हाईली रेडिकल होते हो लेकिन एनजीओ का इस तरह से नहीं होता है ओके सो सोशल मूवमेंट मेनली अपोज द गवर्नमेंट बट आर ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिपेंड ऑन सम टू फुलफिल देयर डिमांड ओके वेयर एज एनजीओ कैन वर्क विदाउट अपोजिंग द गवर्नमेंट और विदाउट बींग डिपेंड ऑन द ऑन द सेम तो जो जो सोशल मूवमेंट होते हैं, वो मेनली मेनली डिपेंड होते हैं अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऑन दी गवर्नमेंट वेयर एज दी एन जी ओज हैव देयर ओन एवरी रिसोर्सेज एंड दे आर टोटली इंडिपेंडेंट टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव्स। ओके सो सोशल मूवमेंट आर रिवॉल्यूशनरी नेचर वो एक रिवॉल्यूशनरी टाइप होते एंड दे देयर राइज आर फॉल दे राइज एंड फॉल एंड डिसर इन रिस्पॉन्स टू द सर्कमस्टेंस एंड लिव ऑफ देयर सक्सेस एंड फेलीअर तो जो सोशल मोमेंट होते हैं वो क्या है मतलब तुरंत एकदम राइज़ हो जाएंगे अगर उनकी जो डिमांड है अगर वो फुलफिल होती है तो फिर वो, वो फिर जो सोशल मूवमेंट होता है वो बंद हो जाता है अगर इसमें एक्चुअली क्या है इसमें कभी सक्सेस भी हो सकता है कभी फेलियर भी हो सकता है इन द सोशल मोमेंट बिकॉज इट अल्टीमेटली डिपेंड ऑन दी गवर्नमेंट वेदर गवर्नमेंट फुलफिल their फुलफिल देयर objectives और नॉट ठीक है तो इसीलिए लेकिन एन जी ओस के केस में क्या होता है एन जी ओस आर टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं उनका खुद का फाइनेंस होता है एक्चुअली फाइनेंस सम कुछ लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं बट दे अल्टीमेटली दे आर नॉट डिपेंड ऑन दी गवर्नमेंट सो दे फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम दोशल मूमेंट सोशल मूवमेंट से एकदम ये अलग होते कौन जो एन जी ओ से वो ठीक है तो इस तरह से एनजी ओज और सोशल मूवमेंट एक दूसरे के साथ लिंक करते ठीक है सोशल मूवमेंट को एनजी ओज का सपोर्ट बहुत जरूरी है ओके फॉर ऑल परपजेस तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल्स ऑफ सोशल सिविल सोसाइटी इन पॉलिसी प्रोसेस पॉलिसी प्रोसेस में सिविल सोसाइटी का क्या रोल होता है ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू बाय बाय